नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष राजपूत। स्वागत करता हूं आपका फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि अगर आपका खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है और आप जानना चाहते हो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आप एक चेक बुक से और एक फॉर्म से, मतलब कि विड्रॉल फॉर्म से, आप कितना पैसा निकाल सकते हो इन दोनों से और इन दोनों में क्या डिफरेंस है, दोस्तों इसी के ऊपर हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को कंप्लीट देखना, शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, स्किप बिल्कुल भी मत करना। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि मैं बैंक से जुड़ी प्रॉब्लम के ऊपर वीडियो लेकर आता रहता हूं। और साथ ही हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगी। उस लिंक पर क्लिक करके जल्दी से हमें फॉलो कर लीजिए, क्योंकि अगर आप वहां पर हमसे कोई सा भी क्वेश्चन पूछते हैं तो उसका रिप्लाई आपको वहां पर जरूर मिलेगा। तो इसलिए जाकर हमें इंस्टाग्राम पर जल्दी से फॉलो कर लीजिए और साथ ही हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर लीजिए, उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, क्योंकि वहां पर आपको हमारी वीडियो के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिलते रहते हैं। तो इसलिए जाकर टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों बिना किसी देरी के भरते हैं वीडियो में मेन टॉपिक की ओर। दोस्तों अगर आपका SBI बैंक में एक सेविंग अकाउंट है तो दोस्तों वहां पर आपको दो प्रकार के अकाउंट मिलते हैं, एक तो होता है जो चेकबुक अकाउंट, एक होता है नॉन चेकबुक अकाउंट। दोस्तों चेकबुक अकाउंट में आपको चेकबुक मिलती है और नॉन चेकबुक अकाउंट में आपको चेकबुक नहीं मिलती है। तो दोस्तों जो चेकबुक अकाउंट है वो किसको मिलते हैं, दोस्तों जो शिक्षित होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनको चेकबुक अकाउंट मिलते हैं। मतलब कि जो साइन करते हैं बैंक में, साइन करना जानते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनको चेकबुक अकाउंट प्रोवाइड किया जाता है बैंक की तरफ से। और जो दोस्तों जो नॉन चेकबुक अकाउंट होते हैं वो किनको प्रोवाइड किए जाते हैं, जो दोस्तों इलिटरेट लोग होते हैं, मतलब कि जो अशिक्षित लोग होते हैं, अनपढ़ लोग होते हैं, जो अंगूठा लगाना चाहते हैं, जो बेचारे साइन करना नहीं जानते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, तो दोस्तों उनको जो है नॉन चेकबुक अकाउंट बैंक की तरफ से दिया जाता है। दोस्तों उस अकाउंट में ना तो उन्हें ATM कार्ड मिलता है ना चेकबुक की फैसिलिटी मिलती है। तो दोस्तों जो लिटरेट अकाउंट होते हैं, जो शिक्षित लोगों के अकाउंट होते हैं, उनको चेकबुक अकाउंट प्रोवाइड किया जाता है, उनको उसमें चेकबुक देखने को मिलती है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि आप चेक से कितना पैसा निकाल सकते हो और अपनी स्लिप से, विड्रॉल फॉर्म से कितना पैसा निकाल सकते हो। तो दोस्तों क्या होता है कि जब आप बैंक में जाते हो कभी आज, तो आपने क्या करते हो वहां पर, आपको जब पैसे निकालने होते हैं तो आप एक विड्रॉल फॉर्म लेते हो बैंक से और उसे फिल करके लाइन में लग जाते हो। दोस्तों आपको 10,000, 5,000, 6,000, 3,000 इतने पैसे निकालने होते हैं तो आप आराम से लाइन में लग जाते हो। दोस्तों मान लीजिए अगर आपको 70,000, 80,000, 90,000, 1,00,000, 2,00,000 इतने रुपए निकालने हो और आप लाइन में फॉर्म लेके लग गए और बैंक वालों ने कह दिया कि ये फॉर्म आप नहीं भर सकते, आपको चेक लाना पड़ेगा, तो दोस्तों आप वहां से झेड़ पेड़ करने लग जाते हो बैंक वालों से कि हम तो इसी से फॉर्म पैसे निकालते थे, इसी फॉर्म से। तो दोस्तों वो कहते हैं कि आप इसको चेक से निकालिए। तो दोस्तों यहां पर जो लिमिट निकल कर आती है चेकबुक की, तो दोस्तों आप 50,000 तक तो फॉर्म से निकाल सकते हो विड्रॉल फॉर्म से, लेकिन अगर 50,000 से ऊपर पैसे निकालोगे तो उसके लिए आपको चेक की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप लिटरेट हो, मतलब कि आप पढ़े लिखे हो, आप साइन करते हो बैंक में, तो आपको बैंक कहेगा आपको चेक से ही निकालने पड़ेंगे, उसका दूसरा ऑप्शन नहीं है, या फिर आप 50,000 से कम निकालो। तो दोस्तों यही ऑप्शन है। और दोस्तों जो इलिटरेट लोग होते हैं, जो अंगूठा लगाते हैं, दोस्तों वो फॉर्म भरकर कितने भी पैसे निकाल सकते हैं, उन्हें कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है कि हाँ उन्हें चेक लाना है, क्योंकि उनकी चेकबुक बनती नहीं है, उन्हें ATM मिलता ही नहीं है। क्योंकि दोस्तों इससे क्या हो सकता है कि अगर उन्हें चेकबुक बना के दे दी उन लोगों को जो इलिटरेट लोग हैं और उनको ATM दे दिया, तो उनके साथ फ्रॉड हो सकता है। इस वजह से बैंक ने रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है कि उनके लिए जो है वो फॉर्म से पैसा कितना भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए उन्हें किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है, उन्होंने किसी को चेक काट कर दे दिया और उनसे किसी ने साइन करा लिया, तो फ्रॉड हो सकता है और ATM कार्ड भी ले सकता है उनसे कोई। तो इसलिए उन्हें जो है बैंक की तरफ से ATM कार्ड और चेकबुक प्रोवाइड नहीं की जाती है, वो फॉर्म भर के, विड्रॉल फॉर्म भर के, अंगूठा लगा कर अपना कितने भी पैसे निकाल सकते हैं, 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000, 4,00,000, 1,000, 2,000, 3,000, मतलब कितने भी निकाल सकते हैं। और दोस्तों जो लिटरेट लोग होते हैं वो जो है फॉर्म भरकर 50,000 तक ही निकाल सकते हैं, उससे ऊपर उन्हें चेकबुक के लिए बैंक कहेगा ही कि आप चेकबुक अप्लाई कीजिए, अगर आपके पास चेकबुक नहीं है तो उससे आप 50,000 से ऊपर निकाल सकते हो। तो दोस्तों ये भी एक अच्छा रूल है। दोस्तों आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि आप चेक से 1,000 से लेकर 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 2,00,000, 3,00,000, 10,00,000, मतलब कितने रुपए भी निकाल सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप 50,000
फॉर्म से निकालोगे और उसके 50,000 से नीचे आप चेक से नहीं निकाल सकते हो। चेक से आप कितना भी पैसा कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा निकाल सकते हो, इसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन विड्रॉल फॉर्म से अगर आपका चेकबुक अकाउंट है तो दोस्तों आपको विड्रॉल फॉर्म से सिर्फ 50,000 तक ही निकाल सकते हो, उससे ऊपर बैंक आपसे चेक लेगा ही लेगा कि आप चेक भर के दीजिए तभी हम आपके पैसे आपको विड्रॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों इसलिए अगर आपने अभी तक चेकबुक नहीं बनवाई है तो आप चेकबुक के लिए अप्लाई कर दीजिए, चेकबुक बनवा लीजिए, चाहे आपका कोई से भी बैंक में अकाउंट हो, चेकबुक होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि टाइम पर अगर आपको ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ गई तो आप कहाँ जाओगे। ठीक है, विड्रॉल फॉर्म से तो आप 50,000 तक निकाल सकते हो SBI बैंक में, ठीक है, उसके बाद आपको चेकबुक देना ही होगी, मतलब चेक आपको लगाना होगा। तो दोस्तों आप अपनी चेकबुक जरूर बनवा कर रखिए। अगर आप लिटरेट लोग हैं, मतलब आप पढ़े लिखे साक्षर लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, आप बैंक में साइन करना जानते हैं, फॉर्म भरना जानते हैं, तो आप जो है अपना चेकबुक बनवा कर रखिए। दोस्तों जो इलिटरेट लोग हैं, जो अंगूठा लगाते हैं बैंक में फॉर्म भरकर, फॉर्म भी उन्हें भरना नहीं आता, वो बेचारे किसी और से भरवा लेते हैं मदद लेकर या घर से भरवा लाते हैं किसी से और अंगूठा लगाते हैं, वो अपना फॉर्म से कितने भी पैसे निकाल सकते हैं, उनके लिए कोई लिमिट नहीं है। वो 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 फॉर्म से बड़े ईजी तरीके से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये सुविधा नॉन चेकबुक वालों के लिए है, ठीक है। अगर चेकबुक अकाउंट है तो आपको चेकबुक बनवानी ही पड़ेगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको दोनों में डिफरेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा कि नॉन चेकबुक अकाउंट और चेकबुक अकाउंट में क्या डिफरेंस है और चेक से आप कितना पैसा निकाल सकते हो और विड्रॉल फॉर्म से आप कितना पैसा निकाल सकते हो। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।